इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासर मसरूर, एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हूं, एक बार फिर से आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। आज के तीन टॉपिक्स जो हमने चुने हैं, सबसे पहला टॉपिक है किम जोंग, दूसरा टॉपिक है क्रूड ऑयल और तीसरा टॉपिक है सोनू निगम। तो इन तीनों ही टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, इन तीनों ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किम जोंग की। उत्तर कोरिया के किम जोंग के बारे में खबरें ऐसी आ रही हैं कि किम जोंग काफी दिन से बीमार हैं, काफी दिन से उनको देखा भी नहीं गया है। तो अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किम जोंग इस दुनिया से चले गए, यानी कि कहीं किम जोंग की मृत्यु तो नहीं हो गई है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई अभी खबर ऐसी नहीं आई है या किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है कि किम जोंग इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या हिंदुस्तानी मीडिया हो, क्या है वेस्टर्न मीडिया हो, किम जोंग की खबरें खूब जोरों शोरों पे चल रही हैं, और चले भी क्यों ना, क्योंकि अगर तानाशाह ऐसा किम जोंग जैसा तानाशाह अगर वो गायब हो जाए, बिल्कुल स्क्रीन पे ना रहे, जो चर्चाओं में रहता था वो चर्चा में ना रहे, तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर होती है। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ अटकलें हैं जो इन चीज़ों को बल देती हैं। 11 तारीख के बाद से किम जोंग को किसी ने नहीं देखा। 11 अप्रैल के बाद से किम जोंग को किसी ने नहीं देखा। किम जोंग मोटापे की वजह से परेशान थे, उसके बाद इनकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी शायद कामयाब नहीं हुई थी, इसके बाद वो एडमिट हो गए थे और जो उनका स्वास्थ्य था वो बिगड़ रहा था दिन ब दिन, उनकी जो हालत थी वो नाजुक हो रही थी। लेकिन अब जब वो 11 अप्रैल के बाद से गायब हैं, नदारत हैं, तो इन अटकलों को बल मिलता है। वही हम आपको बता दें जो उसमें सेकंड पॉइंट है कि 15 अप्रैल को किम जोंग, यानी कि किम जोंग के जो दादाजी हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन ये तानाशाह खूब भीड़ इकट्ठी करके रंगारंग प्रोग्राम करवाता है। लेकिन 15 अप्रैल को सुनसान थी, उस दिन भी किम जोंग नदारत रहा। तीन पीढ़ियों से, 1948 से जब से उत्तर कोरिया बना, जब से ये शासक हैं, लेकिन अब ये दो बातें इस चीज़ को बल देती हैं कि शायद कहीं ना कहीं मामला संगीन है, कहीं ना कहीं हालत नाजुक है। वही किम जोंग की बहन को समझा जा रहा है, किम जोंग की बहन अभी तक लाइमलाइट नहीं थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे, यानी कि अपने भाई का जो पूरा ये शासन है उसको संभालने का काम उनकी बहन करेंगी। बहरहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है किम जोंग की, लेकिन हालात नाजुक हैं। दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वो है क्रूड ऑयल का। आप शायद सोच के हैरान होंगे, अगर खबरें देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे भी खबरें इस तरह की चलती हैं, वैसे तो ट्विटर्स, फेसबुक पे और भी बहुत सी खबरें चलती हैं, लेकिन कुछ काम से रिलेटेड भी खबरें चल जाती हैं, यानी कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि हमारे आपके जानना ज़रूरी है और उससे माहौल बिल्कुल ठीक रहता है। कोई ऐसी खबर नहीं होती कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, जैसी खबरें आमतौर पर आजकल चल रही हैं। और यकीन आप माने तो मैंने न्यूज़ चैनल्स को देखना लगभग बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनको देखकर सिर्फ आपका दिमाग ख़राब होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि कोरोना वायरस में हमारा मुल्क जूझ रहा है और हम आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहरहाल टॉपिक से भटकने की जरूरत नहीं है, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो पहली बार माइनस में चल गए हैं। अब आप ये ना सोचने लग जाइएगा, अगर माइनस में चल गए हैं तो दैट्स मीन के कभी आप अपनी गाड़ी को फिलिंग स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पे भरवाने जाएंगे तो वो आपको फ्री में तेल दे देगा, क्योंकि तेल के रेट्स तो माइनस में चले गए हैं, तो उसका मतलब उसको फ्री में मिल रहा है। बहरहाल इन सोचों में आप आगे तक जाएं और मुंगेरी लाल के सपने सजाएं, तो बता दें हम आपको कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो अपने दूसरे टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये इतने कम क्यों हुए, इसके पीछे क्या वजहात हैं कि प्राइस इतने लो हो गए। हम जानते हैं सऊदी अरबिया, रशिया, US ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन पिछले एक महीने से इन तीनों में कंपटीशन चल रहा है, इन तीनों के कॉम्पिटिशन्स में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन है, जेट प्लेन्स के लिए
जो ऑयल आता है वो यूज़ नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद हैं तो वहाँ पर इसका कंजम्पशन नहीं हो रहा है, व्हीकल्स बंद हैं तो यहाँ पर भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो सप्लाई है वो तो है लेकिन डिमांड नहीं है। इसके लिए हमें पहुँचना पड़ेगा 12th क्लास के इकोनॉमिक्स पर या हाई स्कूल के इकोनॉमिक्स पर, सप्लाई और डिमांड के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे चले गए हैं। तो इसको अगर हम सप्लाई ना करें, अगर प्राइस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो सप्लाई को भी रोकना होगा। इसी लिए ये तीनों जो मुल्क हैं, इन्होंने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने एक फैसला किया। वैसे तो आपस में कभी रशिया, यूएसए और सऊदी अरबिया की एक साथ बैठक नहीं हुई और एक साथ सहमति नहीं बनी, लेकिन फिर भी सहमति बनी कि अब ये एक पैमाना तय करेंगे कि पर डे या पर जो भी इनका वीक जो भी ये तेल निकालते हैं तो ये अब जो ऑयल प्रोड्यूस है वो कम करेंगे। हम आपको बता दें कि समंदर के बीच में से भी तेल निकालते हैं और इसके साथ साथ लैंड या वेल्स हैं वहाँ से भी तेल निकाला जाता है। जो समंदर के बीच से हम तेल निकालते हैं, जो माइंस होती हैं वहाँ पर खर्चा कम आता है क्योंकि ये लोग टैंकर्स में उसको फिल कर लेते हैं, लेकिन जो लैंड या वेल से निकाला जाता है तो इसमें पाइपलाइंस और उसको स्टोर करने का खर्चा ये सब बहुत आता है। तो बहरहाल ये माइनस में क्यों गया है इसकी वजह मैंने आपको बता दी, लेकिन इससे आप ये ना समझें जैसे मैंने पहले कहा कि अब आपके मुल्क में भी हमारे मुल्क में तेल बहुत सस्ता मिलेगा। पहुँचते हैं हम तीसरे टॉपिक पर। कल होना हो मैंने मूवी देखी थी और शायद गाना मुझे बड़ा पसंद आया था सोनू निगम का, और उसको मैंने रिंगटोन भी बना लिया था, अपनी सिंगटोन भी बना लिया था। उस ज़माने में सिंगटोन चलती थी, कल हो ना हो अच्छा गाना था। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सारे गाने अपने लैपटॉप से जो जो गाने जहाँ स्टोर किए थे वो मैंने डिलीट कर दिए। डिलीट करने की वजह ये नहीं थी कि पर्सनली ये चीज़ मुझे बुरी लगी एज़ बीइंग आई एम द मुस्लिम, तो सोनू निगम ने कुछ ऐसा कमेंट किए जिससे मुझे बुरी लगी, लेकिन एज बीइंग इंडियन या एक ह्यूमन बीइंग ये चीज़ मुझे बुरी लगी अगर कोई इंसान किसी के धर्म पर उंगली उठाता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो ये बुरा ही लगता है, आम लोगों को ही बुरा लगेगा। ऐसे ही ये मुझे भी बुरा लगा था, इसलिए सोनू निगम साहब को मैंने अपने घर से रफा दफा कर दिया। 2017 की बात लेकिन अब क्यों हो रही है ये सोच के आप चौंक ही रहे होंगे, तो आप चौंकिए नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि 2017 की बात यानी 3 साल पुरानी बात मैं आप क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2017 गुजरने हुए 3 साल हो गए लेकिन अब सोनू निगम बुरे फंसे हैं और उसकी वजह 2017 ही है। यानी कि सोनू निगम ने एक कमेंट किया था, ट्वीट किया था, अजान को लेकर ट्वीट किया था। ट्वीट आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट किया था, इस पर सोनू निगम ने, मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो फिर मैं अजान क्यों सुनूँ, या उन्होंने एक बात ये भी कही थी, अपने मल्टीपल ट्वीट्स थे, ट्वीट्स उस ज़माने में वो कर रहे थे, अब ये नहीं पता था उस वक्त क्यों कर रहे थे और एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर कर रहे थे, लेकिन 2017 में कर रहे थे ये ट्वीट्स, ये इनको लगता था ये तो हिंदुस्तान में रहेंगे या इनका कौन बिगाड़ लेगा कुछ, और वाकई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। बहरहाल तो ट्वीट्स इन्होंने मल्टीपल ट्वीट्स किए, उन्होंने ये भी लिखा था कि मोहम्मद के ज़माने में माइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बहरहाल बहुत सी लंबी चीज़ें थी, इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल जो अब जिस दुविधा में ये फंसे हैं, जिस परेशानी में फंसे हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अजान सुनने इन्हें पसंद नहीं थी और साहब आज वो उस देश में जाके फंस गए हैं जहाँ उन्हें हर वक्त अजानें सुनना पड़ती हैं, यानी कि वो फंस गए हैं अरब कंट्रीज़ में। जी हाँ, वो फंस गए हैं दुबई में। सबसे ज़्यादा कंसर्ट सोनू निगम के दुबई में ही होते हैं, लॉकडाउन से पहले वो दुबई में ही थे। अब दुबई में भी बंद हो गया, हिंदुस्तान भी बंद हो गया, फ्लाइट्स भी बंद हो गई, अब वो दुबई में फंस गए। आपको याद होगा कल वीडियो में मैंने तेजस्वी सूर्या की बात की थी, ये भी अपने जहरीले कमेंट्स के लिए मशहूर थे।
ऐसे ही सोनू तो इनकी कुछ अरब कंट्रीज़ पे इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद अरब कंट्रीज जो थी वो रिएक्शन में आई थी। तो ये तो अपना अकाउंट बंद करके भाग गए, लेकिन उन लोगों ने सोनू निगम को ढूंढ निकाला कि सोनू निगम जिस शख्स ने कहा था कि अजान बैन होना चाहिए वो तो उनकी ही कंट्रीज़ में है। सोनू निगम को भैया जब ये पता चला तो सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट डिलीट कर दिया। उनको लगा कि मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन अब मामला शांत होने वाला नहीं लग रहा है। लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाला, उस स्क्रीनशॉट को दुबई पुलिस को टैग किया और बात यहां तक पहुंच गई कि सोनू निगम की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आनन फानन में सोनू निगम ने आज अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद कर लिया। तो जो सोनू निगम के भक्त थे वो सोनू निगम को ट्विटर पे ढूंढ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि सोनू निगम इस वक्त आपके ट्विटर पर नहीं है, सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर लिया है। आज हमने तीन टॉपिक्स पे बात की, तीन टॉपिक्स पर चर्चा की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सोनू भैया के लिए कुछ कहना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कुछ पूछना हो आपको तो उसके लिए आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप indian.informative1234@gmail पर भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।